नॉर्मली हमसे ये सवाल भी पूछा जाता है कि जो चेक है उसको कौन प्रेजेंट कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी भी एक पर्सन को चेक मिला है तो उस चेक को कौन प्रेजेंट बैंक में कर सकता है। और साथ में ये सवाल भी पूछा जाता है कि चेक को प्रेजेंट करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंगरूवाल। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चेक को कौन प्रेजेंट कर सकता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर चेक देता है तो जिसको चेक मिला है उसको कहते हैं ड्रॉई या फिर उसको कहते हैं पेई। तो अब उसको जो चेक मिल गया है, अब वो इस सिचुएशन में है कि बैंक में जा सकता है और उस चेक को प्रेजेंट कर सकता है, तो वो खुद भी उस चेक को लगा सकता है। उसने चेक लगाना है और चेक में जो है चेक डिपॉजिट फॉर्म वो साथ में लगाना है। और जैसे ही वो चेक को डिपॉजिट करेगा तो डिपॉजिट की रसीद भी उसने वहां से ले लेनी है। और अब अगर चेक किसी को मिला है तो चेक मिलने के बाद अगर वो उस सिचुएशन में नहीं है कि वो बैंक जाकर उस चेक को लगा पाए, या फिर कोई बिजनेसमैन है, या फिर कोई ज्यादा बिजी है, या फिर उसकी हेल्थ ऐसी है कि वो बैंक नहीं जा सकता, तो उस सिचुएशन में उसके बिहाफ पे कौन चेक लगा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चेक किसी को मिला है उसके बिहाफ पे चेक कोई भी लगा सकता है। कोई भी मान लीजिए उसका फ्रेंड है, या फिर रिलेटिव है, या फिर अननोन है, या फिर सर्वेंट है, कोई भी उस चेक को बैंक में जाके लगा सकता है। उस सर्वेंट ने, या फिर फ्रेंड ने, या फिर रिलेटिव ने क्या करना है, उस चेक को लेना है और उस चेक को लेने के बाद उस पर्सन की जो डिटेल लेनी होती है, क्या डिटेल चाहिए, नाम है, बैंक का नाम है, ब्रांच है, मोबाइल नंबर है, ये कुछ डिटेल हैं जो उस पर्सन को चाहिए होती हैं। अब उसने ये सारी डिटेल ले ली है, अब क्या करना है, अब उसने उस पर्सन के बैंक में जाना है। बैंक में जाके सबसे पहले डिपॉजिट फॉर्म कलेक्ट करना है। डिपॉजिट फॉर्म भरने के बाद और उसके साथ चेक लगाने के बाद चेक की बैक साइड में लिखना है उस पर्सन का नाम जिसके खाते में वो लगेगा, उसका बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, उसका अकाउंट नंबर और उसका मोबाइल नंबर। और जैसे ही उस चेक को फिल किया है और फिल करने के बाद बैक साइड में कंप्लीट जो कंटेंट्स है वो भी लिख दिए हैं, उसके साथ डिपॉजिट फॉर्म भर दिया है, तो अब उसको चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल देना है। अब जैसे ही वो चेक ड्रॉप बॉक्स में उसको डालेंगे तो बैंक से उसकी रसीद ले लेनी है, या फिर जो उसकी रसीद, वो कई बार क्या है कि चेक को आज के टाइम पे मशीन में प्रेजेंट किया जाता है, तो मशीन में उस चेक को अगर प्रेजेंट करते हैं तो वहां से भी एक प्रिंटेड रसीद आपको मिल जाती है। सो वहां से वो रसीद लेने के बाद आपको अब आ जाना है। तो इस तरीके से जो कोई भी पर्सन उस पर्सन के बिहाफ पे जिसको चेक मिला है तो बैंक में चेक को प्रेजेंट कर सकता है। तो फाइनली इसका मतलब ये है कि एक चेक किसी भी पर्सन को मिलता है तो वो जो चेक है वो खुद भी प्रेजेंट कर सकता है और साथ में किसी के थ्रू भी उसको प्रेजेंट करवा सकता है। तो उसके भी आप पे उस चेक को कोई भी प्रेजेंट कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि चेक को प्रेजेंट करते टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो पर्सन जो है खुद जाता है तो भी उसको सिर्फ चेक और उसके साथ डिपॉजिट फॉर्म की जरूरत है। अगर उसके भी आप पे कोई और जाता है तो भी सिर्फ चेक और डिपॉजिट फॉर्म और साथ में जिस पर्सन के अकाउंट में वो लगाना है उसकी डिटेल जरूरी होती है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक को प्रेजेंट करने में नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि चेक को कौन प्रेजेंट कर सकता है और चेक को प्रेजेंट करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।